नाम लिखे थे एक बार और रिवाइज करते हैं। एक क्या था? हाइपोथैलेमस। तो बच्चे देखो, बच्चा बिल्कुल शांत। पहले बच्चों ने कहा कि सर हाइपोथैलेमस क्या होता है ये नहीं मालूम, और कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप ब्रेन पढ़ाते तो ज्यादा जरूरी होता। तो मैंने कहा फोर ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? फोर ब्रेन। बताइए आपके सामने ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, इसके बीच में है। मैंने बोला था हाइपोथैलेमस का मतलब है डायनसेफलॉन। तो डायनसेफलॉन की ऊपरी वॉल है, नीचे वाली वॉल है। ऊपर वाली वॉल का नाम एपिथैलेमस, नीचे वाली का नाम पक्का। फिर मैंने आपको नाम दिया था एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर से बोलो, क्या मैंने इनके नाम लिखाए थे? और फिर एंडोक्राइन टिश्यू, बोलो। ये कल का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन टिश्यू के बारे में पढ़ा था, याद रखो। याद है एक कौन सा था? हाइपोथैलेमस, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरा पक्का। फिर मैंने बोला था, कुछ बच्चों ने कहा कि सर एग्जॉन नहीं मालूम, ऐसा किसी ने बोला। एग्जॉन नर्व को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? नर्व। तो बोला गया नर्व की एंडिंग में एग्जॉन है। बोलो क्या बेटा? एग्जॉन। एग्जॉन एक पूरा फाइबर का नाम है जिसकी नर्व एंडिंग है। कहां से निकली है? हाइपोथैलेमस। और इनसे कुछ हार्मोन निकले हैं, और इन हार्मोन में या तो आरएच है, व्हाट इज आरएच? रिलीजिंग हार्मोन, या तो आईएच, व्हाट इज? इनहिबिटरी। तो एक है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटरी। और ये हार्मोन किस पे वर्क कर रहे हैं? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी कितनी है? एक कौन? एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर, दो पिट्यूटरी है। और इस पे एग्जॉन से निकला हुआ हार्मोन, किसके एग्जॉन से? के एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम कर रहा है। मैंने बोला था पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज द एक्सटेंशन ऑफ नर्व, किसका? तो जो एग्जॉन सिक्रीट कर रहा था ब्लड में, यहां पर सीधे नर्व कहां निकल रही है? पोस्टीरियर। बोलो पोस्टीरियर। तो हमारे पास पिट्यूटरी का कितने पार्ट? दो। एक कौन? एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर। फिर मैंने यहां पर आपको ग्लैंड दिखाई थी, याद है? मैं लिखाऊंगा नहीं, पूछूंगा, याद है? सबसे ऊपर पीनियल, पिट्यूटरी, थायमस, पैंक्रियास। आज जो लोग नहीं सुन पाए, जिनकी पहली क्लास है, आप लोग शांत रहिएगा। ऊपर पीनियल, फिर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थायमस, 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 पैंक्रियास, एड्रीनल, एड्रीनल। बिल्कुल जगह नहीं है बेटा, आप कहीं बैठा लो उसको, यार खड़ा कब तक रहेगा? आप लोग एक काम करो, बॉयज, बॉयज ये लड़के वहां तक पहुंचाना है, वहां पर तक चेयर पहुंचाओ, चलो जाओ। बॉयज पकड़ो, पकड़ो दे यार, बीच में जाओ, बीच में, बीच में, हाँ वहीं बीच में रखवा। हाँ भाई, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम याद है? एक कौन? पीनियल, पीनियल, बिल्कुल आवाज नहीं। दूसरी पिट्यूटरी है, तीसरी याद है? थायराइड, याद है? फिर पैराथायराइड है, कुछ बच्चों इसके बाद थायमस, थायमस याद है? फिर पैनक्रियास, पक्का। टिशू चार याद है? एक कौन? लीवर, किडनी, हार्ट, और जीआई। मुझे लग रहा शोर ज्यादा है, इस शोर से किसी को कोई फायदा नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं। एक कौन? लीवर, किडनी, हार्ट, जीआई। इतने सिस्टम हैं जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। मैंने कल हाइपोथैलेमस पढ़ा रखा है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आज चालू कर रहा हूँ पिट्यूटरी से, किसमें? पिट्यूटरी। और मैंने आपको पढ़ाया था पिट्यूटरी इज अ मास्टर ग्लैंड, दिस इज अ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम लोगों ने मास्टर ग्लैंड का नाम दिया था।
और कोई भी एक चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप अपने बगल वाले से मत पूछना कि ये समझ में नहीं आ रहा, मुझसे पूछना, हाथ उठाना, मैं बताऊंगा। जितना टाइम लगेगा मैं लगाऊंगा, लेकिन आपको मुझसे हाथ उठा के पूछना है, बस हाथ उठा दीजिएगा मैं पूछ लूं। पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड है। पहला काम ये मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि बाकी ग्लैंड पर कंट्रोल लगती है, पक्का। और पिट्यूटरी पर कंट्रोल लगता है हाइपोथैलेमस, ये कल मैंने पढ़ाया था हाइपोथैलेमस, और मैंने बोला था हाइपोथैलेमस जो होता है इट इज मास्टर ऑफ मास्टर, ये मास्टर है। किसका मास्टर है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है कौन? हाइपोथैलेमस। तो बताओ कौन है जो पिट्यूटरी पर कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी बेटा बाकी ग्लैंड पर कंट्रोल करती है, यस। फिर मैंने कल आपको पढ़ाया कि पिट्यूटरी को दो भागों में बांटा गया, याद है? एक का नाम एडिनो हाइपोफाइसिस, डरना नहीं है बिल्कुल, बोलो एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरे का नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस। कल मैं पढ़ा चुका हूं इसको, और मैंने कहा था अगर आप इनके नाम भूलो तो कैसे याद रखोगे। मैंने कहा एक दिमाग में रखना डायनसिफलॉन, बोलो क्या नाम? ब्रेन का पार्ट है, डायनसिफलॉन है, ऊपरी दीवार है एपिथैलेमस, नीचे वाली हाइपोथैलेमस। बिल्कुल डरना नहीं, अगर कुछ भी दिक्कत लग रही है मुझे 15-15 मिनट के बाद मैं इसे चला दूंगा, आप मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए। वरना टॉपिक कोई मजेदार नहीं आएगा। तो आपके पास फोर ब्रेन पे एक कैविटी है, कैविटी का नाम है डायनसिफलॉन, और मैंने बोला था डायनसिफलॉन एक टिफिन जैसा है या एक आप ज्योमेट्री बॉक्स जैसा है, कल बताया था मैंने। तो मैंने बोला था आप एक ज्योमेट्री बॉक्स की ऊपर वाली दीवार और नीचे वाली का नाम हाइपो, और इस हाइपोथैलेमस से स्टॉक निकला है। क्या निकला है? स्टॉक, ये रहा वो स्टॉक, और स्टॉक से दो लोब जुड़े हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, वेरी गुड, वन इज नोन एज एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर। एंटीरियर का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर का नाम, फिर मैंने कल आपको एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर में से 5 हार्मोन गिनाए थे, मैं नाम लिख रहा हूं। नंबर वन इज जीएच, व्हाट इज जीएच? जब भी कभी डर लगे एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन के नाम तो ट्रॉपिन याद रखना, बोलो क्या? ट्रॉपिन। जीएच का मतलब है ग्रोथ हार्मोन, फिर से बोलो, ये बच्चे आप लोग को पढ़ के आना है, ग्रोथ हार्मोन मैंने कल पढ़ाया था तो इतना तो याद होना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम सोमेटोट्रॉपिन, इट इज नोन एज सोमेटोट्रॉपिन। तो ट्रॉपिन नाम के जो हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकले हैं, एंडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एक का नाम ग्रोथ हार्मोन, दूसरे का नाम आपको याद होगा, याद है? इट इज नोन एज TSH, व्हाट इज TSH? क्या ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है? इट इज नोन एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑल्सो नोन एज थायरोट्रॉपिन, फिर से बोलो थायरोट्रॉपिन, ट्रॉपिन शब्द हो गया। फिर मैंने आपको लिखाया था ACTH CRH was the hypothalamus, जिसने बोला गलत बोला, इट इज नोन एज ACTH, फुल फॉर्म याद है? बोलो एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिन। लोग बोलते हैं सर नाम लिख लिख कर याद करेंगे, बहुत घबराने की जरूरत नहीं। एड्रिनल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? उसका कॉर्टेक्स, बोलो कौन? कॉर्टेक्स, एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिन। 3 ट्रॉपिन बोलो, सोमेटोट्रॉपिन, थायरोट्रॉपिन, एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिन, इसके अलावा गोनेडोट्रॉपिन, फिर से बोलो गोनेडोट्रॉपिन, याद है? गोनेड के ओ ट्रॉपिन, इट इज नोन एज FSH, और दूसरा LH, एक की दो, एक कौन? FSH, दूसरा LH,
तो कितने ड्रॉप इन? चार। दो नहीं, चार। गड़बड़ कर दोगे, बोलो। सोमेटो ड्रॉप इन, थायरो ड्रॉप इन, एडिनो कॉर्टिको ड्रॉप इन, गोनेडो ड्रॉप इन। इनके अपने हार्मोन वो है, वो अलग बात है। गोनेडो ड्रॉप इन में कितने हैं? दो। एक कौन? FSH और एक LH। पक्का? और फिर मैंने कहा था एक का नाम है PRL। व्हाट इज PRL? सच बताएं तो इट इज मेमोट्रोपिन, मेमोरी ग्लैंड का ट्रोपिन हार्मोन है। बाय द वे आपकी बुक नहीं लिखती, कहीं मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैंने बोला प्रोलैक्टिन। फिर से बोलो प्रोलैक्टिन। तो जितने बच्चे कहते हैं मुझे लर्न करने में दिक्कत है, मैं कहता हूं चार ट्रोपिन है, एक प्रोलैक्टिन। एंटीरियर की पोस्टीरियर? एंटीरियर। और पोस्टीरियर जो बेटा ग्लैंड है वो डायरेक्ट नर्व को लाती है, डायरेक्ट नर्व। और डायरेक्ट नर्व ही पोस्टीरियर ग्लैंड में पहुंच गया। एंटीरियर की प्रोस्टीरियर? पोस्टीरियर। तो अगर ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर ग्लैंड के सिक्रीशन ब्लड में? डायरेक्ट नर्व है। और ये नर्व कहां से आई है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस डायरेक्ट सिक्रीट हो रहा है पोस्टीरियर में, यस और नो? और बोला गया दो हार्मोन, याद है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है और ADH, याद है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। फिर से बोलो। अगर मैं इसी को याद करा पाया तो मैं जीता जीत जाऊंगा, अगर वरना हार जाऊंगा। तो बताओ पांच आगे से और दो पीछे से और एक बीच में, याद है? इट इज इंटरमीडिएट फ्लो, याद है? और यहां से कौन सा? MSH, याद है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जिन लोगों को दिक्कत लग रहा है कितने हार्मोन है वो काउंट कर लें, 5, 2, 7, 1, 8। पिट्यूटरी से टोटल तुम्हारे कोर्स में, आगे MBBS में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे कोर्स तक आते आते पिट्यूटरी के दो पार्ट, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। और एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में इंटरमीडिएट भी है जो एंटीरियर का ही पार्ट है। किसका है? एंटीरियर। तो अगर मैं उसे एंटीरियर का पार्ट मान लूं तो 5 और 1, 6, 6 हार्मोन एंटीरियर से, 2 पोस्टीरियर। और अगर मैं इसे मिडिल मान लूं तो मिडिल इट इज इंटरमीडिएट एंड इट इज नोन एज MSH। व्हाट इज MS? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दैट्स इट, बस इतना पढ़ना है। अगर मुझे पिट्यूटरी पढ़नी हो और मुझे इतना कोई एक साथ दिखा दे मुझे घबराहट लगेगी, पर मैं अगर काउंट कर लूं 6 एंटीरियर 2 पोस्टीरियर, या और अच्छी तरीके से 5 एंटीरियर 1 मिडिल 2 पोस्टीरियर, 5, 1, 6, 2, 8। और हर हार्मोन का काम मालूम होना चाहिए। तो पिट्यूटरी के हर एक हार्मोन का काम मैं लिखाने जा रहा हूं। फर्स्ट हार्मोन इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन, इट इज GH। यहां से मैं आज नया पढ़ाने जा रहा हूं, कल तक का वो पोर्शन था जो आपको आना ही चाहिए। ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोपिन, सोमा मतलब बॉडी, ट्रोपिन मतलब न्यूट्रिशन। यानी दीज आर द हार्मोन विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी। क्या बेटा? ग्रोथ ऑफ बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन। बॉडी के न्यूट्रिशन और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, दीज आर द हार्मोन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी। और भाई इस ग्रोथ ऑफ बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इतना भी जानते हो तो आप NCERT के बराबर चीजें जानते हो, लेकिन आपको क्या क्या और सीखना है। जब जब ये ग्रोथ हार्मोन आएगा ये प्रोटीन की एनाबोलिज्म बढ़ा देगा, ये याद रखिएगा, इट इंक्रीज द प्रोटीन एनाबोलिज्म। और अगर प्रोटीन एनाबोलिज्म बढ़ गई तो आपकी मसल्स डेवलप होने लगेगी। इसलिए जितने भी बॉडी बिल्डर लोग होते हैं
वो सारे के सारे लोग ग्रोथ हार्मोन को एज अ सप्लीमेंट लेने लगते हैं। बॉडी बिल्डर का मतलब नॉर्मल बॉडी बिल्डर नहीं कि तुम बॉडी बिल्डिंग करने चले जाओ, वो लोग जो फाइट करते हैं इन द ओलंपिक्स इन द गेम्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जो फाइट करते हैं उनको ये हार्मोन दिए जाते हैं ताकि उनकी मसल्स में एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन बढ़ जाए और मसल फाइबर बढ़ जाए ताकि उनकी बॉडी बढ़ जाए। तो मसल की ग्रोथ करने के लिए, मसल्स की ग्रोथ करने के लिए आपको ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है। नाम ही क्या लिखा है, ग्रोथ हार्मोन। तो आपकी बॉडी में मसल्स पावर बढ़ाने के लिए दिस हार्मोन इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन। दूसरा काम, इट विल इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ये हार्मोन जहां पर भी होगा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, और कैल्शियम का अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगा तो यही कैल्शियम बोन में डिपॉजिट होने लगेगा, और अगर ये बोन डिपॉजिट करने लगा, बोन में डिपॉजिशन करने लगा और बोन में कैल्शियम का डिपॉजिशन करने लगा तो बोन की लेंथ बढ़ने लगेगी, बोन लेंथ विल इंक्रीज। और अगर बोन की लेंथ बढ़नी लगी तो बड़ा ऑब्वियस बात है, अगर आपकी फीमर की लंबाई बढ़ जाए, टीबिया और फिबुला की लंबाई बढ़ जाए तो बताओ पैरों की लंबाई घटेगी, बढ़ जाएगी। अगर पैरों की लंबाई बढ़ गई तो आपकी हाइट बढ़ेगी। तीन मुख्य काम है जो आपको आने चाहिए, बाकी तो और भी ग्रोथ कर सकते हैं, एक तो मसल का ग्रोथ, बोन का ग्रोथ और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प। चलो बताओ मसल्स ज्यादा ग्रो करेगी, बोन ज्यादा ग्रो करेगी, तो बताइए लंबाई बढ़ेगी और बॉडी बिल्डिंग चालू हो जाएगी। आपको ये याद रहेगा दिस इज अ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की खास बात है एवरीवन हियर कि ये ग्रोथ हार्मोन बोन्स पे एक्ट करता है। देखो रट्टा मारने वाले पड़ेंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन हम लोग परेशान नहीं होंगे। जब कभी ये बोन में एक्ट करता है तो बोन में होते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर। कौन सा सेंटर? शब्द याद रखना, ऑसिफिकेशन सेंटर। इनके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, ऑसिफिकेशन सेंटर। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन सेंटर। बोलो क्या? अगर बोन फॉर्मेशन सेंटर ऑसिफिकेशन सेंटर ओपन है, अगर ये सेंटर ओपन है तो याद रखना ग्रोथ ऑफ बोन विल कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग। और अगर बोन की ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होती रहेगी तो बोन आपकी लंबाई में बढ़ती रहेगी। किसमें? लंबाई। और अगर लंबाई में बढ़ती रही, ग्रोथ होती रही तो आपकी हाइट बढ़ती रहेगी। लेकिन ये ऑसिफिकेशन सेंटर 20 से 25 साल में, कुछ लोग बोलते हैं प्यूबर्टी के बाद बंद होने लगते हैं। प्यूबर्टी है बेटा 15 से 18 साल या 14 से 15 साल, प्यूबर्टी के आसपास ये बोन ऑसिफिकेशन सेंटर बंद होने लगते हैं। और अगर ये बंद होने लगे तो याद रखना कैल्शियम डिपॉजिशन होगा लेकिन लंबाई नहीं बढ़ेगी। मैंने बड़े आसानी से आपको रट्टा होने से बचाया, और जो लोगों को रटना है वो रट दें। बता दो मुख्य काम है, मसल का ग्रोथ, बोन का ग्रोथ, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ बढ़ जाएगा, तभी तो नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन। अब कोई मुझसे पूछे ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है, भूल गए, वो सीरियर पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है वो क्या करता होगा, याद है? बताओ, हमारी बॉडी की ग्रोथ करेगा, मसल की ग्रोथ करेगा, बोन की ग्रोथ करेगा। अच्छा, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि ग्रोथ हार्मोन का अगर सिक्रीशन कम हो जाए, क्या हो जाए? अगर लेस सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन होने लगे, जरा मेरे को जवाब चाहिए आप लोगों से। अगर ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन डिक्रीज होने लगे, डिक्रीज होने लगे तो मसल का डेवलपमेंट और बोन का डेवलपमेंट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बोन लंबी होगी? अगर बोन लंबी नहीं होगी तो बताओ ये बंदा लंबा होगा कि बौना? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बोर्ड खाली करने के बाद मैं यही सब लिखने जा रहा हूं। ज्यादातर डर इस बात का कि कुछ लोग बोलते हैं सर आप नया पढ़ा रहे हो और समझ में कम आ रहा है, इसलिए बताओ ग्रोथ हार्मोन का नाम ग्रोथ हार्मोन क्यों है?
ये बॉडी की ग्रोथ करता है, मसल की ग्रोथ करेगा, बोन की ग्रोथ करेगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन घटाएगा कि बढ़ाएगा, और बोन लंबी होने लगेगी, बॉडी लंबी होने लगेगी। यानी आपको सही समय पर ग्रोथ हार्मोन निकलता रहे तो आपकी बॉडी कभी छोटी नहीं होगी, हाइट बढ़ जाएगी। कब तक बेटा ऑसिफिकेशन सेंटर खुले रहते हैं? 20 साल तक मैक्सिमम मानते हैं, कुछ किताबें 25 मानती इसलिए लिख दिया, अदरवाइज 20-22 साल तक मैक्सिमम लंबाई बढ़ती है। और जब आप मैक्सिमम लंबे हो गए उसके बाद आपकी लंबाई नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि ऑसिफिकेशन सेंटर खुले हैं कि बंद? अब हटा रहा हूं मैं, बोलते हैं अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होने लगे, हाइपोसिक्रीशन, इट इज नोन एज लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होने लगेगा तो अभी आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या होगा? इफ द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इज लेस, बॉडी ग्रोथ बढ़ेगी घट जाएगी? बॉडी ग्रोथ घट जाएगी। अच्छा बताओ, बोन की लंबाई घटेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बोन लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और अगर बोन लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो बच्चा बेटा ड्वार्फ पैदा होगा। कैसा? ऐसे ड्वार्फ को हम लोग बोलेंगे मिडगेट, ये शब्द याद रखना, मिडगेट, और ऑल्सो नोन एज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। याद रखना, ग्रोथ हार्मोन का मेंटल डेवलपमेंट में कोई लेना देना नहीं। किसमें? तो मेंटल डेवलपमेंट में कोई लेना देना ना होने की वजह से ये बौने तो होंगे लेकिन इनका ब्रेन खराब, यही वो बौने हैं जो सर्कस में काम करते हैं। क्योंकि सर्कस में काम करने के लिए आईक्यू अच्छी चाहिए, और आईक्यू अच्छी चाहिए तो ब्रेन खराब, और ब्रेन खराब नहीं चाहिए तो कौन हार्मोन है जो ब्रेन के डेवलपमेंट में काम नहीं करता? ग्रोथ हार्मोन। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी से अगर कोई बौना आया है वो बौना क्या कहलाएगा? मिडगेट। और यही वो बौने हैं जो सर्कस में काम करते हैं। एक थायराइड ग्लैंड की कमी से भी बेटा बौने पैदा होते हैं, लेकिन थायराइड ग्लैंड की कमी से ब्रेन डेवलपमेंट भी गड़बड़ हो जाता है, और वो बौने सर्कस में काम करेंगे कि नहीं? नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है, विच ड्वार्फ कैन वर्क इन द सर्कस। उनका पूछने का मतलब है जहां आईक्यू की जरूरत होगी ये छोटे होंगे, लेकिन इनकी ग्रोथ, इनकी मेंटल ग्रोथ में कोई फर्क नहीं है। दीज आर द ड्वार्फ और द मिडगेट और द पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। याद रहे, अगर बेटा ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होने लगे, क्या होने लगे? हाइपर। भाइयों बहनों, हाइपर सिक्रीशन का मतलब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होने लगे, तो दो काम हो सकते हैं। अगर ये हाइपर सिक्रीशन बिफोर प्यूबर्टी है, बिफोर प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी के पहले से ही ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो गया, तो आप मुझे बताइए बोन का डेवलपमेंट में ऑसिफिकेशन सेंटर बंद है कि खुले? क्यों? प्यूबर्टी के पहले ये सेंटर बंद कि खुले? और अगर खुले हैं तो कैल्शियम डिपोजिशन होने से बोन छोटी होंगी कि लंबी? और लंबी होने की वजह से बताइए इसकी बोन एक्सेसिव लंबी हो जाएंगी? और एक्सेसिव लंबी हो जाने की वजह से बंदा जाइजेंट हो जाएगा या फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इट इज नोन एज जाइजेंटिज्म। बोलो क्या बोलते हैं? जाइजेंटिज्म। खली देखे हम, खली Dentist। याद रखना, अगर बेटा हाइपर सिक्रीशन आफ्टर प्यूबर्टी हो, मेरे को जवाब चाहिए और रट्टा नहीं चाहिए। अगर कोई भी एक बच्चा इसका जवाब नहीं जानता वो बेवकूफ है, और वो मुझसे पूछ नहीं रहा तो मां बेवकूफ। अगर प्यूबर्टी के बाद या फिर ग्रोथ ऑफ द बोन जब पूरी हो चुकी हूं उसके बाद गड़बड़ करे, इधर देखो ये रही वो बोन जिसके ऑसिफिकेशन सेंटर क्लोज हो चुके हैं,
ऑसिफिकेशन सेंटर क्लोज होने की वजह से, याद रखना, ये बोन लंबाई में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, ये लंबाई में नहीं बढ़ेगी। पर ग्रोथ हार्मोन अपनी आदत के अनुसार कैल्शियम को घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। कहां पर? बोन में। तो बताओ, बोन में एवरीवन लंबाई ना बढ़े लेकिन कैल्शियम डिपॉजिट होने लगे, तो याद रखना बोन कर्वेचर बढ़ाने लगे, क्योंकि उन्हें ग्रोथ तो बढ़ाना ही है, और ग्रोथ बढ़ाने पर लंबाई नहीं बढ़ पा रही, तो लंबाई उतनी ही है लेकिन ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने अपना क्या बढ़ा दिया? कर्वेचर। और कर्वेचर बढ़ा दिया तो हाथ पैर टेढ़े मेढ़े ग्रो करने लगेंगे, बॉडी टेढ़ी मेढ़ी ग्रो करने लगेगी। इस बीमारी का नाम है एक्रोमिगैली। फिर से बोलो, एक्रो। तो बताओ, दो प्रकार की बीमारी है हाइपर सिक्रीशन से, दोनों के नाम बता पाओगे? एक का नाम जाइजेंटिज्म, एक्सेसिव लंबा हो जाना, इट इज जाइजेंटिज्म, और दूसरा कौन? एक्रोमिगैली। एक्रोमिगैली, बोला सर दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या लिखा आपने? यहां लिख दे रहा हूं, एक्रोमिगैली। यानी इन लोगों की बोन एक्सेसिव लंबी होंगी लेकिन ये वेल फॉर्म होंगी, डिफॉर्म होंगी, डिफॉर्म। और याद रखना, इनकी डिफॉर्मिटी के साथ ग्रोथ होगी, और डिफॉर्मिटी के दौरान कई बार इनकी बॉडी में कूबड़ निकल आएगा। देखा है आपने ऐसा? एंड दिस इज नोन एज काइपोसिस। बोलो क्या नाम? काइपोसिस। वर्टिब्रल कॉलम का एबनॉर्मल ग्रोथ, इट इज नोन एज काइपोसिस, क्योंकि अब आपकी जो बोन बन रही है वो टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, एंड दिस इज नोन एज एक्रोमिगैली। एक्रोमिगैली अगर चेक ना की जाए तो दिस एक्रोमिगैली कैन लीड इन टू प्री मैच्योर डेथ। ये बंदे को प्री मैच्योर डेथ कर देगी, यानी नॉर्मल डेथ की एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। एक हार्मोन अभी तक उठा पाए, ऐसे पांच हार्मोन है, अगर सबके काम तुम सही ढंग से बताते जाओगे मेरा काम बन जाएगा। पहले देखना है फंक्शन, दूसरा देखना है हाइपर सिक्रीशन, और दूसरा तीसरा हाइपो सिक्रीशन। इतना बताते जाओगे आगे बढ़ता जाऊंगा मैं। हटा दूं इसे? चलो हटा देता हूं। अब बताओ कौन सा हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा? ग्रोथ हार्मोन। बॉडी की ग्रोथ को करेगा? बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाने वाले हार्मोन का नाम ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। जिन लोगों को ये लग रहा कि मुश्किल है, एक बार मैं फिर लिख दूंगा, बताओ पोस्टीरियर की एंटीरियर? एंटीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी से पांच हार्मोन निकलते हैं, उनमें से एक हार्मोन है, नाम बताओ? ग्रोथ हार्मोन। अब ध्यान सुनो, इसका नाम ग्रोथ हार्मोन क्यों है? ये आपकी बॉडी की ग्रोथ बढ़ाता है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म बढ़ाएगा, मसल्स बढ़ेगी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, बोन बढ़ेगी, बंदे की मसल भी बढ़ेगी और लंबा भी होगा। अगर नॉर्मल ग्रोथ है तो आपकी सबकी नॉर्मल ग्रोथ है, लेकिन कभी 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 दो कंडीशन होंगी, या तो ये कम निकले या तो ज्यादा। अगर के कम निकले, क्या निकले? कम। तो बताओ बोन लंबी, मसल बेटर डेवलप। तो बताओ बच्चे बड़े होंगे कि छोटे रहे? क्या ये डॉर्फ है? क्या इन डॉर्फ का नाम मिडगेट है? इनके मेंटल डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये क्वेश्चन ऐसे ही कई बार पूछा गया कि डॉर्फ विथ नॉर्मल मेंटल ग्रोथ, इट इज पिट्यूटरी डॉर्फ। फिर से बोलो, पिट्यूटरी। आगे चलिए, हाइपर सिक्रीशन। बोलो कौन? अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ, अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ तो ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हुआ कि ज्यादा? अगर ज्यादा सिक्रीस हुआ तो बोन की लंबाई बढ़ गई, फीमर लंबी, टीबिया, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम। अब बताओ आपकी बॉडी की साइज घटेगा कि बढ़ जाएगा? नॉर्मल बढ़ेगा कि एक्सेसिव? और आप एक्सेसिव 7-8 फुट तक उतले जाएंगे, इट इज नोन एज जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म का मतलब जायंट, जायंट मतलब एकदम दैत्य का। अगर बेटा प्यूबर्टी के पहले निकले तो ऑसिफिकेशन सेंटर खुले है, और अगर प्यूबर्टी के बाद, मतलब लेट एज में कि अर्ली एज में? लेट एज। अच्छा, किसी वजह से मेरे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाए, अब ये अर्ली है कि लेट है? अब बताओ मेरी बोन जो ग्रो करेगी वो सीधी ग्रो करेगी, टेढ़ी मेढ़ी? क्या ये एक्रोमिगैली है? अगर ये
चीजें सही नहीं हुई तो क्या मेरे की मौत आ सकती है? Yes, अगर बेटा किसी 12 13 साल के बच्चे में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, इसका मतलब उसके ऑसिफिकेशन सेंटर बोन खुली है, बोन की लंबाई बढ़ती जाएगी, और बोन की लंबाई बढ़ती जाएगी तो नॉर्मल लंबाई पे रुकेगा कि एक्सेसिव? एक्सेसिव। क्या ये जाइजेंटिज्म होगा? Yes, अगर ये तीन बातें नहीं समझ में आई तो हाथ उठाइए, अगल बगल वाले को मत बताइए कि कम समझ में आ रहा, मुझे बताइए। हो गया? चलो मैं इसे मानू कि आ गया। जब तक कि मैं दूसरा हार्मोन लिखूं, आप बताइए ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलेगा? एंटीरियर से। बॉडी की ग्रोथ बढ़ाएगा, मसल बढ़ेगी, बोन बढ़ेगी, बोन की लंबाई बढ़ेगी। हमारा दो कंडीशन है, हाइपोसिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन में बंदा छोटा रहेगा, डॉर्फ होगा, मिडगेट होगा, और हाइपरसिक्रेशन में दो कंडीशन होगी, अर्ली में जाइजेंटिज्म, लेट में एक्रोमेगाली। नाउ द ग्रोथ हार्मोन के बाद दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन।